इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। चले हनुमान जी तो कुछ किए नहीं हो, नेबू को चढ़े वो कपि कनक अटारी, हरि प्रेरित ही अवसर। हनुमान जी प्रेरित नहीं, हरि प्रेरित। क्यों? भक्त की पूंछ में आग लगा दिए तो हरि प्रेरित हो गया। भगवान की प्रेरणा हो गई, हनुमान जी की पूंछ में आग लगाया, हवाएं मरुदगणों को भेजो, तुरंत आए। चौचन 49 मरुदगण जो हनुमान जी के अनुज थे आए, अरे भैया हवा कौना दिशा में चल रही है पते नहीं चला, झपट लपट बहु कोटि कराला। 49 मरुदगण, ये ले ओ, झपट लपट, पते नहीं चले कि पुरवा है कि पछुआ है कि दखी नहीं है, जर गया। जरा नहीं हो, जैसे आज का सोना पिघल जा रहा है वैसे लंकवो पिघल गई। देखो पिघल गया, सोना में पिघल जाता है ना, पिघल ही गया पूरी लंका। तो आप कहेंगे बनी कैसे? रावण के ससुर थे मैं दानव, और मैं राक्षसों के विश्वकर्मा का नाम है मैं, जो आसुरी शक्तियां हैं सूरी शक्तियां से अधिक प्रभावशाली, बहुत प्रभावशाली, इनसे पार पाना बड़ा कठिन है साहब। देखिए देवता कभी जीते नहीं, सदैव हारे हैं। काहे कि जीते बदे कोनो उपाय नहीं करते। जैसे घर में दुई प्रकार के लोग रहते हैं घर में, एक अबर और दूसरा जबर। तो जो अबर होता है वो जैसे जबरा मारेगा, एम आई देखिए रे मल्लत रे, और जबरा मार के भाग जाता है, सताता है बहुत। तो ये जो असुर है ना, इस असुर जबर है, जबर हैं और जबर ही करते हैं। देवता त्राहिमाम, भोले बाबा प्रभु प्रभु, जय जय सुरनायक जन सुखदायक, लेकिन वो नहीं करते। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पकयान जीत लिया। जबरा से समय डरा थे, पूरा घर डरा था, नंगा से भगवानों डरते, न जाने का कर बैठे। श्री हनुमान जी महाराज किसी से नहीं डरते, सबको रौदार थे। लंका पिघल गई, हनुमान जी पूंछ बुझाई, खोई शम धरि लघु रूप, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो। माने कुछ पूछा नहीं, वो दासियां पहले ही बता गई ऐसा ऐसा हुआ। त्रिजटा मैया ने पहले खबर जना दिया था, पुराणों में चर्चा है। तब क्या भैया, श्री हनुमान जी ने लिया चूड़ा मणि, समझते हैं माता लोग लगाती हैं बाल में। पहले माताएं बड़े सुंदर सुंदर गहने धारण करती थी, पहले तो हंसली चला करती थी, कदनी चला करती थी, क्या क्या गहने बहुत हुआ करते थे। गोस्वामी जी लिखते हैं कि पिछले कलयुग में तो कुछ गहना था नहीं, खाली बरवे गहना था, अब लाकच भूषण भूर चुदादि आदि, सब पिछले कलयुग का, वर्तमान का नहीं है, पिछले कलयुग का वर्णन है। लेकिन पहले माताएं अलंकरण के रूप में जूड़ा में वो चूड़ा मणि लगाया करती थी, ये विशेष श्रृंगार हुआ करता था। दक्षिण में आप जाओ देखो, दक्षिण और बंगाल में बेटियां बहनें माताएं सब पुष्प का जूड़ा अवश्य लगाती, वो उनका सौभाग्य है। माने यही उतार कर श्री हनुमान जी महाराज को दिया, ये अतिशय प्रिय अलंकरण है।
संदेश पाए, लेकर के इस पार आए, सबको लेके मधुबन आए, सुग्रीव जी से मिले, भगवान की शरण में आए। जामुन जी महाराज ने कैसे कैसे हनुमान जी कार्य किए प्रणामोपरांत सब बता दिया और कहा प्रभु की कृपा भयउ सबका जो। तीन बार इस पंक्ति का स्मरण करिए, कथा पूर्ण हो रही है। भाव श्रद्धा से प्रभु की कृपा भयउ सबका जो, जन्म हमारे सुभले भयउ सबका जो, जन्म हमारे सुफल भायो। ओ प्रभु की कृपा भयउ सबका जो, जन्म हमारे सुफल भायो। प्रभु की भयउ सबका जो, जन्म हमारे सुफल भायो। ए बड़ा मधुर संपुट है, सब कार्य सुंदर सुंदर हो जाए तो पाठ करिए, पारायण अखंड पारायण करिए। ये चौपाई ऊपर नीचे ताला लगाते जाइए, इसको संपुट बोलते हैं। ऊपर लगाया नीचे लगाया, ताला बंद सब कार्य। श्री हनुमान जी महाराज से भगवान ने पूछा कैसे मिले, रावण की लंका में कैसे प्रवेश किए। हनुमान जी महाराज ने क्या कहा, सिंधु नाग हाटकपुर जारा, निश्चर गण बध विपिन, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथन कछु मोरी प्रभुताई। माँ को प्रभु का संदेश जैसे दिया था श्री हनुमान जी ने, उसी प्रकार प्रभु को मां का संदेश दिया। और क्या कहा हनुमान जी ने, सीता के अति विपति विशाला भी नहीं भली दीन दया। हे दीन दयाल, हे दीनों पर दया करने वाले परम प्रभु, मैया की विपत्ति तो बिना कहे ही अच्छी है। अरे श्री हनुमान जी से प्रभु ने पूछा, लाला वचन काय मन मम गति जाहि, मनसा वाचा कर्मणा, जिसको मेरी ही गति है उसको सपने में भी विपत्ति कैसी। श्री हनुमान जी कहते हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। प्रभु आपका स्मरण तो चलता रहे, नाम पाहरो दिवस निस, लेकिन आपकी सेवा न बने यही विपत्ति है। संसार में सब कुछ करते हैं, लेकिन जरा विचार करिए कि जितना हम करते हैं इसमें भगवान की सेवा के निमित्त क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। वो हम लोग क्या नहीं करते, बहुत काम करते हैं, बहुत प्रकार करते हैं, बहुत ढंग से करते हैं। क्या नहीं करते, तो भगवान का कोई काम नहीं करते साहब। अरे संसर्गों के काम तो भगवान के काम बा, ये समझावला
देखिए हम भी सब कुछ करें, उपदेश करें और भगवान की आज्ञा अनुसार भगवत कार्य न करें तो कुछ नहीं किया। भगवान का कार्य क्या है ये भगवान ने परिभाषित किया है, वो करना भगवत कार्य करना है। परहित में कुछ हमारा समय अर्पण हो, तन मन धन, परहित धर्म नहीं भाई। बिचारिये परहित करते हैं क्या, कितना करते हैं, क्या करते हैं, अपने को संतोष होना चाहिए ऐसा करते हैं। बैठकर 50 लोगों के मन मस्तिष्क में भगवान के भाव को अर्पित कराते हुए समर्पित कराने का प्रयास करना भी भगवत कार्य है। कथा का यही हेतु है, लोग सुने समझे चुने रहें वरे करें चले। भगवान के श्री मंदिर का निर्माण भी भगवत कार्य है, लोगों को समझाकर उनके हृदय में भगवान के दिव्य मंदिर का निर्माण भी भगवत कार्य है। हम भगत हैं और हम अपने जैसे 10 लोगों को भगवान का बना डालें ये भी भगवान का कार्य है। करते हैं क्या, करते हैं तो हम भगवत भाव के अधिकारी हैं। कहीं जाना नहीं है, कहीं मिलना नहीं है, किसी को बुलाना नहीं है। भाव में अवस्थित होना है। अरे श्री हनुमान जी लंका में गए थे, भक्तराज विभीषण से मिले थे, बोले माँ का दर्शन करा दो, आप आओगे तो मैं भी बाप का दर्शन कराऊंगा। हनुमान जी महाराज ने आकर संदेशा दिया, भक्तराज विभीषण आए, भगवान की शरणागत हो गई। हमारी कथा से, हमारे सत्संग से, हमारे सुनाने से, हमारे गाने से, हमारे प्रवचन देने से यदि किसी के चित्त में मन में भगवान के प्रति भाव उतर रहा है, जम रहा है, बन रहा है तो हम अपने कर्तव्य से एकदम निष्ठ हैं, पूर्ण कर रहे हैं। यही तो कार्य है भगत का, काम क्या है, भगवान का पार्षद बना ले, भगवान के भजन की प्रेरणा दे दे, अपने भी भजे औरों को भजावे, जीव को भगवान में लगावे, भगवान का कार्य पूरा। रिश्तेदारी नातेदारी कोई भी दारी हो, पट्टीदारी सब में भगवान की भक्ति की बलिहारी ऐसा बने। श्री हनुमान जी महाराज श्री चरणों में माथ नवाते हैं, अनपायनी भक्ति प्राप्त करते हैं, भगवान ने हृदय से लगाया है। आगे की कथा में विभीषण जी महाराज की शरण हुई है, सुख सारण की कथा है, समुद्र से भगवान मार्ग मांगे हैं, समुद्र ने 3 दिन दिया नहीं, भगवान ने अग्नि बाण मांगा लक्ष्मण जी महाराज से, अग्नि बाण अनुसंधान करते समुद्र जी प्रत्यक्ष प्रकट हो गए, हाथ जोड़ लिए, प्रभु आपकी आज्ञा हो तो मैं सुख जाऊंगा। पर तो कितनी बार सुखूंगा, आपने हमें समुद्र बनाया, मैं सुखूंगा तो हमारी मर्यादा नहीं जाएगी, आपकी मर्यादा जाएगी। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।